गुड इवनिंग टू ऑल वेरी गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ यू होप यू आर वेल तो क्लास बच्चों लाइव हो चुकी है सभी बच्चे क्लास में आ जाए और शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को दट इज बेस्ड ऑन सिंटेक्स एंड शेक्सपियर स्वेजा कैन सी हि राधा प्रशा श्वेता अर्चना अमन अजब राइट अजब right, बहुत अच्छे बच्चों। तो चलिए सब बच्चे पहुंच चुके हैं और शुरू करते हैं आज के अपने इस Fruitful सेशन को तो बच्चों बेसिकली हम सिंटेक्स पे वर्क करने वाले हैं एक क्लास में सिंटेक्स चल रहा है और अदर क्लासेस में ऑलरेडी पूरा हो चुका है तो सभी बच्चे इसको बढ़िया से देखेंगे होप के आवाज बच्चों को क्या आपको आवाज आ रही है बच्चों हाँ जी आवाज आ रही है आपको ऑडिबल विजिबल सब कुछ बढ़िया से है वेरी गुड तो शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जी सुमन वेरी गुड इवनिंग तो सब बच्चे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर वन टू वन ट्वेंटी नाइन वन टू ट्वेंटी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम द ब्रैकेट्स सब बच्चों को पता है कि सिंटेक्स अगर हम देखें तो सिंटेक्स का बेसिकली मींस बच्चों जाता है सिंटेक्स का हमारा बेसिकली जो मींस जाता है दैट इज वो क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यानी जैसे सेंटेंस नंबर हमारा है हमें यहां पे देखना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है वन ऑफ द प्यूपल्स इन अवर क्लास है ना तो बच्चों आगे लिखा है अखार तो इसमें ऑन आएगा या फिर ओन्स आएगा आपको ये देखना है मीनस ये बना कि ये आपका पूरा सब्जेक्ट है दिस इज द सब्जेक्ट तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से यानी कि ये अगर हम वर्ब देखें तो बच्चों कैसी है प्लूरल वर्ब और ये कैसी है हमारी सिंगुलर वर्ब तो देखना है कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल बच्चों ने द वॉइस वॉल्यूम जी राहुल अब आ रही है आवाज आपको खोप के आपको आवाज आ रही होगी थोड़ा आप अपनी हाँ जी हाँ थोड़ा सा अपने सिस्टम में भी देख लो बाकी यहां से आवाज काफी हद तक ठीक है तो बच्चों हम इसमें देखेंगे तो वन ऑफ द प्यूपल्स इन अवर क्लास इसका जो आंसर बनेगा ऑब्वियसली वो ऑन्स बनेगा क्योंकि वन ऑफ द प्यूपल्स प्यूपल्स में से एक है ना तो ये वन के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है तो क्या बनेगी ओ डब्ल्यू एन एस सिंगुलर आएगी लेकिन सब बच्चों को मुझे ये बताना है ये जो वन यहाँ पे है ये बच्चों है क्या ये वन यहाँ पे क्या नाउन है प्रनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है क्या है बच्चों तो सब लोग मुझे बताएंगे जो वन ऑफ द प्यूपल्स लिखा है इसमें वन बेसिकली है क्या बिल्कुल सही रबीश अंजलि सभी बच्चों ने बता दिया है राहुल साउंड बेटा आप अपनी तरफ से देखो यहां से ठीक है एडजेक्टिव श्वेता ने बताया वन ऑफ प्रनाउन है अर्चना ओके okay, राधा प्रणाउन आरूज प्रणाउन चलो ज्यादातर बच्चे यानी समझ गए हैं देखो बच्चों मैंने ये बताया था आपको रबीश मीनू ध्यान से देखो अगर ये वन किसी नाउन के पहले आए लाइक मैं कह दू आपको वन भाई अगर हम सेंटेंस बनाए वन प्यपल तब तो ये बनता है एडजेक्टिव क्योंकि एडजेक्टिव क्या कहते हैं नाउन को संग संग जीना संग संग मरना ये उसके साथ साथ रहता है लेकिन वन यहाँ पे कैसा है अकेला देखो वन ऑफ द प्यूपल्स प्यूपल्स में से एक यानी एक जो है किसके लिए प्यूपल्स के और प्यूपल्स बच्चों शिष्य क्या है नाउन नाउन के लिए जो वर्ड यूज़ होगा क्या बनेगा प्रनाउन अकेला जब भी आए तो ये प्रनाउन तो अब ये प्रनाउन है ठीक है बच्चों है ना बच्चों तो ये आपका प्रनाउन बनेगा ये क्या होगा आपका ये बेसिकली यहां पे प्रनाउन बनेगा क्या ये बात क्लियर हुई सबको इस वजह से हम यहां पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे ऑन अगला देखो क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं बच्चों यहां सी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू पे आएंगे द द ऑफ ईस्ट एन इंटरेस्टिंग बुक अब देखो इससे हमें पता चल रहा है हमें सब्जेक्ट से पता नहीं चल रहा लेकिन बाद में जो ऑब्जेक्ट यहां पे दिया है कॉम्प्लीमेंट जो दिया है इससे पता चलेगा कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएं या बच्चों प्लूरल ई जाएगा बहुत अच्छे करेक्ट वे एवरी वन तो लाइन्स ऑफ द ईस्ट के साथ में आप वर्ब क्या लगाएंगे बच्चों इज लगाएंगे सिंगुलर मतलब किसी भी बुक का नेम अगर बनेगा तो वो सिंगुलर बनेगा ये एक रूल है हमारा सिंटेक्स का इसी तरह से बच्चों अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे लेट लेटस कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री एप्पल पाई एंड कस्टर्ड अब ध्यान से देखो एप्पल पाई एंड कस्टर्ड दोनों एक जैसे हैं तो ये क्या बनाएंगे यहां पे सिंगुलर वर्ब या बच्चों प्लूरल इज माई फेवरेट डिश या फिर आर माई फेवरेट डिश थ्री का सेकंड बनेगा एग्जैक्टली exactly. थर्ड में ईज आएगा एग्जैक्टली exactly बच्चों तो हम यहां पे क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है एक डिश का नेम है एग्जैक्टली exactly. अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर फोर को देखेंगे सब लोग लिखा है टेन किलोमीटर्स तो पहले तो ये बताओ मुझे क्या ये टेन किलोमीटर सही लिखा है टेन के साथ में किलोमीटर्स लगाऊं बच्चों या फिर टेन के साथ में मैं किलोमीटर लगाऊ टेन किलोमीटर होंगे या फिर बच्चों टेन किलोमीटर्स ही होंगे ये आपको आंसर करना है ओके अर्चना ने कहा है किलोमीटर ओके okay, ओके okay. नहीं बच्चों मैक्सिमम बच्चे किलोमीटर कह रहे हैं बल्कि गलत है बच्चों अगर होता टेन किलोमीटर डिस्टेंस अगर यहां पे कहीं डिस्टेंस बनता अगर यहां पे डिस्टेंस होती यानी कि नाउन बनता बाद में तब तो ये बच्चों किलोमीटर होता लेकिन अभी तो टेन किलोमीटर ही लिखे हैं ना तो ये ही सब्जेक्ट बन रहा है दस किलोमीटर तो बताओ इज अ लॉन्ग वे टू वॉक एग्जैक्टली जाएगा क्योंकि ये एक definite distance को बता रहा है ये किसको बता रहा है बच्चों एक definite distance को तो definite जब भी ऐसे बनेगा तो हम उसके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे क्या बनेगा सिंगुलर नंबर फाइव पे आते हैं <coughs> देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है मोहन एज वेल एज सोहन तो देखो नंबर वन में बच्चों ये सब्जेक्ट है नंबर टू ये है अब हमें देखना है कि वोज गिल्टी या फिर वर गिल्टी क्या बनाएंगे आप एग्जैक्टली exactly बच्चों ये गिल्टी बनेगा उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि मोहन और सोहन जब कभी बच्चों कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है और पहला क्या है यहां पे मोहन अगर यहां पे होता बच्चों दे एज वेल एज सोहन तब हम यहां पे वर लगाते यानी कि पहला अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगाएंगे प्लुरल होगा क्योंकि बच्चों दो सोहन होता तब हम हंड्रेड परसेंट यहां पे वर लगाते लेकिन इस एज वेल एज ने बात को बदल दिया है या ना यानी मोहन ठीक वैसे ही सोहन वोज गिल्टी तो इसका मतलब मोहन गिल्टी था सीधी सी बात यह बनी बहुत अच्छे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आएंगे सिक्स देखो क्या कहता है नीदर जॉन नोर यू नंबर वन सब्जेक्ट नंबर टू सब्जेक्ट बताओ वर्ब हमारी क्या बनेगी वॉज या फिर बच्चों वर्ब बनेगी राइट right, राहुल बहुत अच्छे पकड़ पा रहे हैं सभी बच्चे भाई सीधी सी बात है नीदर नोर से बच्चों जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर है और यू यहां पे कैसा है प्लूरल तो हम क्या लगाएंगे वी वुड बी यूजिंग वर हेयर है ना समझ में आ गई बात आपको तो बच्चों हम यहां पर वर लगाएंगे श्वेत अर्चना आप इसको ठीक करें गैडिंग बच्चों हां जी ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन हमें कहता है अब देखो अब यहां पे उसने किससे जोड़ दिया ईदर शोभा और आई यानी ईदर और से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो बताओ बच्चों किसके अकॉर्डिंग आनी है आई के अकॉर्डिंग आनी है या फिर शोभा के अकॉर्डिंग आनी है बहुत अच्छे बच्चों एग्जैक्टली exactly. ईदर neither नीदर नोर नॉट ओनली also इन तीनों में ही बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है तो यहां पे बच्चों हमारी एम बनेगी है ना ईदर शोभा और आई एम टू ब्लेम ये हमें देखना है बहुत अच्छे बच्चों करेक्ट कर रहे हैं सभी लोग अब अगला देखेंगे नीदर ऑफ देम वॉज रोंग या वर रोंग ये हमें देखना है अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका नीदर ऑफ देम ओके कुछ बच्चों ने वर बताया प्रीशा ने वर बताया बाकी बच्चे वोज बता रहे हैं आरूज ठीक है बच्चों राहुल वर बता रहे हैं प्रीशा ठीक है बच्चों ध्यान से देखो ध्यान से देखेंगे आप लोग तो. जब मैं कहता हूं नीदर ऑफ देम नीदर हमेशा कैसा है सिंगुलर ये बच्चों सिंगुलर है तो हम इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाएंगे नीदर ऑफ उपदैन में से नीदर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो सीधी सी बात है क्या बनेगा वो बनेगा नीदर ऑफ बस आपको यह बताना है बच्चों कि नीदर यहां पे क्या है नाउन है प्रनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है या बच्चों कंजंक्शन है यह यहां पे नीदर है क्या बेसिकली ये आपको बताना है और इस बार ज्यादातर बच्चों का सही होना चाहिए मीनू अमन आरूज राहुल अंजलि राधा अर्चना सभी बच्चे करेक्ट बताएंगे बहुत अच्छे बच्चों अब आपने सही कर दिया है भाई सीधी सी बात है जब हम कहते हैं नीदर ऑफ देम, है ना उनमें से कोई भी नहीं इसका मतलब यह बना के हम देम में से नीदर की बात करें यानी कि देम क्या है प्रनाउन प्रनाउन के लिए जो भी वर्ड जुड़ो अगेन प्रनाउन बनेगा तो सिंग, सिंगुलर वर्ब हमारी यहां बनेगी लेकिन अगर कभी ऐसे होता बच्चों नीदर गर्ल है ना गर्ल्स तो आई नहीं सकता नीदर के साथ में अगर हम गर्ल नीदर गर्ल इज रॉन्ग कोई भी लड़की गलत नहीं है तो इसका मतलब ये नीदर क्या बन जाता तब बच्चों ये एडजेक्टिव हो जाता क्योंकि ये किसके किसको किसको मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को तो जब कभी भी नीदर इधर और ये जितने भी वर्ड हैं किसी नाउन के जस्ट पहले आए तो एडजेक्टिव बनते हैं और अगर बच्चों ये ओफ से पहले आए नीदर ओप ईदर ओप वन ओप नन ओप ये हमेशा प्रनाउन का फंक्शन करेंगे क्योंकि तब ये नाउन या प्रनाउन के लिए यूज हो रहे हैं गेटिंग बच्चो हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन बनेगा बिल्कुल अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे देखो नाइन नंबर क्या कहता है हमें द काउंसिल द काउंसिल चूजन इट्स प्रेजिडेंट तो हैज चूजन या बच्चो हैव चूजन काउंसिल आपको पता है काउंसिल ऑफ मेंबर्स होता है काउंसिल ऑफ मेंबर्स होता है बहुत अच्छे बच्चों हैज बनेगा सिंगुलर वर्ब आएगी आपको पता है कि काउंसिल क्या है एक कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन हमेशा बच्चों कैसे होते हैं सिंगुलर होते हैं अगर काउंसिल्स बन जाए तब तो वो प्लूरल बनेगा द काउंसिल्स हैेजिडेंट तब कहानी भी इस तरह से बनेगी और अभी हमारे काउंसिल के लिए क्या आया है यहां पे इट्स आया है इट्स का मतलब है वो सिंगुलर है राइट बच्चों तो हमारा यहाँ पे हैज बनेगा ना कि हैव बनेगा बहुत अच्छे बच्चों वेरी गुड ठीक है जी अनुराधा अब बच्चों क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं आपके पास टू एंड टू मेक फोर या बच्चों मेक्स ये आपको बताना है दो और दो चार होते हैं तो मेक आएगा या बच्चों मेक्स आएगा ये आपको कंफर्म करना है सबको मैं बता दूं कि टू एंड टू वाली जो कहानी है बच्चों ये एक बेसिकली फ्रेज है इट्स अ फ्रेज अच्छा टू एंड टू मेक फोर बच्चों ये मेक्स मेक्स बनेगा makes इनको एज अ पेयर वर्ड लिया जाता है पेयर वर्ड वैसे तो हम ये भी कहते हैं टू एंड टू आर फोर टू एंड टू आर फोर लेकिन बच्चों वो करेक्ट फ्रेज नहीं है करेक्ट फ्रेज है आपकी मेक्स फोर इन दोनों को क्या लिया जाता है टू एंड टू को एक फ्रेज की तरह से लिया गया है यानी कि पेयर कंजंक्शन हम कहें पेयर्ड वर्ड कहेंगे अगले क्वेश्चन पे तो समय सही यहां पे क्या बन गया हमारा मेक सही हो गया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स क्या है सेंटेंस बच्चों द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स यानी कि इन सारे आर्टिकल्स की कोस्ट कैसी है हैज राइजन या बच्चों हैव राइजन क्या बनाएंगे आप हैज राइजन क्योंकि बच्चों द कोस्ट लिखा है अच्छा अब ये बताऊ मुझे ये द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स ये कोस्ट क्या है यहां पर ये बच्चों नाउन है या प्रनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है क्या है बच्चों कोस्ट जो यहां पे लिखा है ओप से पहले यह क्या है नाउन है प्रनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है कंजंक्शन है प्रपोजिशन है इंटरज़ेक्शन है या बच्चों क्या है ओके ओके इस बार बच्चे फंस चुके हैं जो जाल बिछाया गया था उसमें फंस गए हैं एडजेक्टिव और प्रनाउन बता रहे हैं वेरी गुड लेकिन कुछ बच्चों ने पकड़ भी ली है बात को प्रीशा रवीश एंड अदर बच्चे बच्चों ध्यान से बताओ कोस्ट का मींस क्या होता है कीमत है ना अब ध्यान से देखो मैं आपको वन ऑफ़ वन ऑफ द गर्ल्स तो बच्चों गर्ल्स के लिए यूज हो रहा है वन बन गया प्रनाउन अगर मैं कह दू वन गर्ल है ना तो क्या बन गया वन गर्ल का मतलब गर्ल क्या वन क्या हो गया एडजेक्टिव लेकिन अगर मैं ये कहूं आपको द गर्ल ऑफ दिस कॉलेज द गर्ल ऑफ दिस कॉलेज तो प्यारे बच्चों ये गर्ल क्या बनेगा ये नाउन ही तो रहेगा ना तब हम इसे एडजेक्टिव या प्रोनाउन क्यों बनाएंगे मीनू बताइए एंजल शिवानी अनुराधा अनुराधा ने सही आंसर कर दिया है तो बच्चों तब तो ये नाउन ही रहेगा ना द कोस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स यानी इन सारे आर्टिकल्स की जो कोस्ट है वो बढ़ गई है तो बच्चों बढ़ गई है तो कोस्ट क्या है सिंगुलर है कीमत बढ़ गई है इसका मतलब है जाएगा यहाँ पे तो सब बच्चे इसका भी ध्यान रखेंगे कि ओप के पहले हम ठीक है ठीक है मीनू ऑल राइट तो बच्चों क्लियर हुआ सबको आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे देखो बारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ऑल द स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज तो बताओ लर्न इंग्लिश या बच्चों लर्न इंग्लिश मुझे तो लर्न अच्छा लग रहा है इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है राधा ओके okay, लर्न ठीक है ठीक है चलो पकड़ लिया है सभी बच्चों ने सीधी सी बात है हमने लिखा बच्चों ओल्ड स्टूडेंट्स इन अवर कॉलेज तो ये प्लूरल इसके अकॉर्डिंग कैसी आएगी हमारी लर्न आएगी तो बच्चों हम यहां पे ई ए आर एन लिखेंगे हम इसको लर्न लिखेंगे वेरी गुड अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे देखो थर्टीन कितना अच्छा क्वेश्चन है कहता है द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज यानी मैंगोज की क्वालिटी नॉट गुड तो वॉज नॉट गुड या बच्चों वर नॉट गुड क्या बनाएंगे आप इसमें से मतलब अगर हम क्वालिटी को देखें मैंगोज की यानी क्वालिटी सिंपल सी बात है बहुत अच्छे बच्चों वो जाएगा क्योंकि क्वालिटी हमेशा कैसी है सिंगुलर है क्वालिटीज़ नहीं होता क्वालिटी बनेगा बच्चों यहां पे तो ये हम वोज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया या बच्चों आर फाउंड इन इंडिया तो हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बच्चों क्या बनाएंगे ये आपको फाइंड आउट करना है हाँ क्वालिटी इज एन एबस्टेक्ट नाउन राइट राहुल बिल्कुल ठीक है बहुत अच्छे बच्चों सीधी सी बात है हमारा इज बनेगा क्योंकि सीधी सी बात है मिनरल्स में से प्रत्येक और प्रत्येक बच्चों यहां ओफ से पहले आए तो यह प्रनाउन का काम करेगा और वो भी कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन है तो इसके अकॉर्डिंग ईच मैं आपको बता दूंगी यहां पर एवरी ओफ इच ओफ नन ओफ नन ओप निदर ओप इधर ओप तो बच्चों हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे तो कैसी वर्ब आएगी नीचे हमारी सिंगुलर वर्ब तो इज बनेगा आर हमारा आंसर नहीं होगा दैट वुड बी इज क्वेश्चन नंबर 15 आयरन एज वेल एज कोल तो बताओ बच्चों क्या इज फाउंड इन इंडिया या आर फाउंड इन इंडिया मतलब आपको यह देखना है कि जब हम एज वेल से आयरन और कोल को जोड़ रहे हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी बिल्कुल सही बच्चों एज वेल well एट से अगर यह जुड़ता है तो वर्ब हमारी फर्स्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी और आयरन क्या है सिंगुलर तो हम इसमें इच लगाएंगे अच्छा ये बताओ बच्चों ये आयरन है कैसा नाउन मतलब ये नाउन है एडजेक्टिव है प्रनाउन है क्या है और कैसा है ये भी आपको बताना है आयरन को आप किस किस कैटेगरी में रखेंगे नाउन की प्रनाउन की एडजेक्टिव की वेरी गुड प्यारे बच्चों ये मटीरियल नाउन बनेगा है ना कोल भी मटीरियल नाउन है और बच्चों आयरन भी आपका मटीरियल नाउन है इट्स अ मटेरियल नाउ अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन नंबर बनेगा नो no न्यूज तो बताओ बच्चों। इज गुड न्यूज या आर गुड न्यूज सीधी सी बात आपको यह देखनी है कि न्यूज जो है बच्चों वो सिंगुलर है सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है वेरी गुड नाउ न्यूज जो है वह बच्चों हमारी सिंगुलर बबे तो हम यहां पर इज लगाएंगे तो नो no न्यूज Is इज गुड न्यूज ठीक है और दूसरी बात सबसे बड़ी देखेंगे के नो जो बच्चों है अब ये बताओ मुझे नो यहां पे क्या है ये भी बड़ी अच्छा क्वेश्चन बन गया कि बच्चों नो यहां पे क्या है जैसे मैंने कहा नो न्यूज इज गुड न्यूज न्यूज तो ये नो कैसा फंक्शन कर रहा है बताओ बच्चों नाउन है प्रनाउन है एडजेक्टिव है एडवर्ब है कंजंक्शन है क्या है नो no एडजेक्टिव है ओके okay, बच्चों बहुत अच्छी बात है भाई सीधी सी बात हम हाँ ये देखेंगे जब हमने कहा नो न्यूज इज गुड न्यूज देखो गुड न्यूज ये न्यूज की विशेषता बता रहा है इसी तरह से बच्चों नो भी इसकी विशेषता बता रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है ये भी एडजेक्टिव बीच में क्या है इज हमारा करेक्ट बच्चों एक्ट ज्यादातर बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं जो बच्चे ठीक नहीं कर पा रहे वो समझ लें द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट तो बताओ बच्चों इज डेड या फिर आर डेड सीधी सी बात हमारी क्या है कि हमने यहां पे पोएट एंड ड्रामेटिस्ट यानी कि दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा है और एक के पहले हमने आर्टिकल द लगाया है इसका मतलब वो पर्सन एक ही है पोएट भी है और वो बच्चों ड्रामेटिस्ट भी है वेरी गुड तो हम सीधी सी बात यहां पे इज डेड लगाएंगे इज डेड फर्स्ट वन आएगा इसमें अगले क्वेश्चन को देखो बच्चों नीदर ऑफ द फिल्म क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखेंगे हम नीदर ऑफ द फिल्म इज गुड वॉज गुड या फिर वर गुड हमें सिंगुलर या प्लूरल अब देखो जब हम कहते हैं ऑफ द फिल्म नीदर नीदर कैसा है बच्चों नीदर और इधर हमेशा सिंगुलर है और बड़ी बात है कि दो में से एक की बात करते हैं तो यहां पे इसका है मीन ऑफ द टू फिल्म लेकिन टू यहां पे अगर शो नहीं है तो इसका मतलब टू ही वो है क्योंकि कभी कभी दो से ज्यादा के लिए आ नहीं सकता अगर यहां होता बच्चों ऑफ द थ्री फिल्म तो गलती उसमें थी जब नीदर ऑफ द थ्री फिल्म होता हम यहां पे नन ऑफ द थ्री फिल्म लगाते क्योंकि नीदर और इधर हमेशा दो के ही लिए आते हैं दो में से एक करके दोनों ही नहीं और इधर वाले में दोनों में से एक एक करके दोनों ही क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बनेगा बच्चों द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स वोज प्रेजेंट देयर या फिर बच्चों वर प्रेजेंट देयर हमें वोज या वर में से यहां पे चेक करना है कि कौन सा आएगा बहुत अच्छे प्यारे बच्चों एग्जैक्टली exactly. सीधी सी बात है बच्चों अगर हम विध से दो सब्जेक्ट को जोड़ें सब्जेक्ट नंबर वन और सब्जेक्ट नंबर टू तो विध से भी पहले वाले के अकॉर्डिंग ही वर बनेगी तो क्या बनेगी वॉज बनेगी ना कि हम यहां पे वर लगाएंगे अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे देखो कितना अच्छा ट्वेंटी वन पे एवरी मैन कोमा वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज वॉज बाउंडेड या बच्चों वर बाउंडेड क्या बनाएंगे आप इसमें बहुत अच्छे बच्चों वो वाउंडेड बनेगा क्योंकि हमने शुरू में ही एवरी लगा दिया तो एवरी और देखो इसके साथ एम एन कभी नहीं आएगा क्योंकि एवरी के साथ आता ही सिंगुलर नाउन है ये गलत है तो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज वॉज वाउंडेड तो ये बच्चों आपके ट्वेंटी वन क्वेश्चन थे सिंटेक्स से हम इसको आगे भी जारी रखेंगे मतलब कमिंग क्लास में सिंटेक्स अभी काफी सारा है आपका जिसमें और भी क्वेश्चन आपको करने हैं लेकिन आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे और बच्चों अगला क्वेश्चन ट्वेंटी वन के बाद बनेगा आपका ये ट्वेंटी टू क्वेश्चन देखो क्या कहता है ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक कैसियस द क्लॉक हैज स्ट्राइकन थ्री तो सब बच्चे मुझे देख के बताएंगे कि इसमें क्या है पीस काउंट द क्लॉक कैसियस द क्लॉक हैज स्ट्राइकन थ्री दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैकोफोनी रिवर्स एनारक्रो एनाक्रोनिज्म या एलिजी ये किसका एग्जैंपल है इनमें से सब बच्चे ध्यान से बताएंगे कि ये हमारा बच्चों किसका एग्जाम्पल है ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक कैसियस द क्लॉक हैज स्ट्राइकन थ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ अच्छा ज्यादातर बच्चे इसमें एलिजी बेटा एलिजी कैसे बनेगी एलिजी तो सब्जेक्ट मैटर में, में अलग ही कंडीशन बनाती है है ना राइट बच्चों सीधी सी बात देख सकते हैं हां मैं आपको बता देता हूं बच्चों ये एनाक्रोनिज्म बनेगा ये क्या बनेगा आपका एनाक्रोनिज्म तो आप इसमें सी वाली कंडीशन को देखेंगे आंसर वुड बी अवर सी क्या है बच्चों एनाक्रोनिज्म जरा इसको समझ लेते हैं एक बार कि व्हाट इज एनाक्रोनिज्म देखो सब बच्चे जानते हैं क्रोन क्रोन का मीन्स किससे होता है टाइम से किससे होता है बच्चों टाइम से तो देखो ब्रूटस पीस काउंट द क्लॉक क्लॉक को काउंट करो कैसियस द क्लॉक है जस्ट आइकन थ्री मतलब जब हम बच्चों टाइम को काउंट करने की बात करते हैं द टाइम वी टॉक अबाउट किसी एक्शन को टाइम से एट्रीब्यूट करते हैं अगर हम एक्शन को किससे बच्चों एट्रीब्यूट करें टाइम से तो वहां पे एनाक्रोनिज्म बनता है तो दिस इज कोल्ड कैकोफोनी जो अर्चना बेटा आप कह रहे हैं पीस काउंट द क्लॉक कैसियस द क्लॉक हां बन रही है कैकोफोनी भी बट मेन जो है यहां पर एनाक्रोनिज्म बन रहा है तो आंसर हमारा एनाक्रोनिज्म बनेगा जब हम यहां पे आने वाले एक्शन को टाइम से जोड़ते हैं है ना और वो टाइम उसको बिलोंग नहीं करता राइट तो वहां पे एनाक्रोनिज्म बनता है ठीक है जी टाइमलेसनेस एरर ऑफ टाइम हाँ बिल्कुल ठीक है इसको हम कह सकते टाइमलेसनेस या एरर ऑफ टाइम या फिर एरर इन क्रोनोलॉजी ठीक है बच्चों? यहां पे टाइम की ही क्रोनोलॉजी है मतलब मैं कह दूं आपको एक सीधी सी बात देखो कि ये बच्चों जो ब्रूटस वाली कहानी है ये अराउंड कितने कितने बीसी की है आई थिंक फोर्थ बीसी की है कितने बीसी की है बच्चों फोर बीसी की लिखा इसको कब गया इसको शेक्सपियर ने लिखा था और कब लिखा था बच्चों में है ना सिक्सटीन सेंचुरी में अब देखो सिक्सटीन सेंचुरी में हमारे पास में क्लॉक है बट बच्चों फोर बीसी में कभी क्लॉक नहीं थी तो इसका मतलब क्लॉक का इस तरह से देना यहां पे एग्जाम्पल देना क्या बनाएगा एनाक्रोनिज्म बनाएगा क्या इन सब बच्चों बातों को सब बच्चे समझ पा रहे हैं ये जो क्लॉक यहाँ पे दी है द क्लॉक है, है क्योंकि क्लॉक तो वहां पे थी ही नहीं फोर्थ बीसी में लेकिन हमने उस समय से क्लॉक को जोड़ दिया जैसे अभी अगर बच्चों में कहूं ब्रूटस 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 सेज टू जूलियस सीजर प्लीज पिक अप द फोन है ना पिक अप द मोबाइल अप द फोन अटेंड माई व्हाट्सएप कॉल तो बच्चों ये फिर एनाक्रोनिज्म बनाएगा मेरी बात समझ में आ रही है आपको बहुत अच्छे बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए अगेन रोजेलिंड इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट रोजेलिंड अपने आप को कैसे डिस्गाइज करती है डिस्गाइज का मीन्स होता है बच्चों वेश बदलना या वेश को छुपाना वेश बदलना अपने आप को एक तरह से छुपाना तो वो कैसे छुपाती है खुद को एलिना बन के सिल्वियस बन के गैनीमेड बन के या बच्चों जैकस बन के गैनीमेड फेंटेस्टिक आंसर मैक्सिमम बच्चों ने दे दिया है मीनू बहुत अच्छे राधा श्वेता सुमन आरूज आ, और मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं बड़ी तेजी से निकल गए सब बच्चों के तो ये बस आंसर सही होना चाहिए तो बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका इट वुड बी सी तो ये गैनीमेड बन के वहां से निकलती है अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों थर्ड नंबर ये कहता है इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस तो बच्चों कौन सी है पोर्शिया है रोजरलैंड है गर्ट्रूड है या फिर ओफिलिया है किसको कहेंगे हम हम इनमें से किसको आंसर करेंगे क्वीन ऑफ डेनमार्क बहुत अच्छे प्यारे बच्चों इट इज सी गर्ट्रूड तो हम यहां पे गर्ट्रूड को आंसर देंगे करेक्ट एवरी ठीक है बच्चों ठीक है जी अर्चना कुछ कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे भी आ जाते हैं अब बच्चों जरा इसको बताओ क्वेश्चन नंबर फोर को बताएंगे कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द ब्रिटिश यहां पे आपको फिल अप करना है द ब्रिटिश ऑल ओवर ओवरिक अफ्रीका एंड एशिया कोलेप्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दस सेंचुरी तो बताओ बच्चों ब्रिटिश हेजेमनी डोमिसाइल रेजिडेंस या फिर इनहेरिटेंस इनमें से कौन सा आएगा मतलब चारों वर्ड्स हैं अपने आप में हेजेमनी का मीन्स होता है बच्चों हेजेमनी का मीन्स होता है uh, क्या कहते हैं इसको हा अच्छा युक्ता थोड़ा बेटो तो क्लैरिटी बढ़ा लो उसकी कोई बात नहीं हेजेमनी का मीन्स बच्चों होता है एक तरह से किसी पे डोमिनेंस करना है ना किसी पे डोमिनेंस करना या किसी को अपने दबाव में लेना डोमिसाइल आप जानते हो रेजिडेंस भी आप जानते हो इनहेरिटेंस भी आप जानते हो इनहेरिटेंस का मीन जो हमें आ, मदर फादर से मिली हो इनहेरिटेड हो चीज वो इन्हेरिटे, इन्हेरिटे है तो यहाँ पे ब्रिटिश की ओसिया कोलेप्स कब हुई थी इन द फर्स्ट हाफ द ट्वेंटियम हुई थी बहुत अच्छे बच्चों उनका जो डोमिनेंस था हमारे ऊपर या फिर जनता के ऊपर वो बच्चों यहां से खत्म हो गया था हो गया था तो आंसर आपका ए बनेगा अगले क्वेश्चन को देखो सब बच्चे इन क्वेश्चन गिवन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइन तो इसमें क्या है आपको देखना है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन चारों में से देखना है आपको कहां पे गलती है और कौन से को हम बदल सकते हैं या फिर कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए इट इज रेनिंग ऑल थ्रू दिस वीक तो बताओ बच्चों यहां पे क्या आना चाहिए इट इज रेनिंग हैविली ऑल थ्रू द वीक्स ऑल थ्रू दिस वीक तो क्या मैं कहूंगा इट रेन्स या इट रेन्ड ऑल थ्रू द वीक या फिर बच्चों इट हैज रेन्ड ओके राधा रेन्स कह रही है श्वेता रेन्ड हैविली ठीक है ठीक है, है और बच्चे बताओ करेक्ट बच्चों देखो जब हम कहते हैं ना ऑल थ्रू दिस वीक जब हम ये कहते ऑल थ्रू दिस वीक तो इसका मतलब है वो बच्चों एक पीरियड के लिए हो गया और पीरियड भी कैसा जो पास हो चुका है तो हम इसमें रेंड कहेंगे इट रेंड हेवीली इट रेंड हेविली ऑल थ्रू दिस वीक ठीक है बच्चों मतलब यहां पे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है बस उस समय के दौरान दिया गया है तो हम इसमें रेंड लगाएंगे पास्ट इंड बनेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखेंगे सब बच्चे सिक्स में जरा ध्यान से देखो आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस क्या है बच्चों सेंटेंस द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज फॉलन डाउन तो कहां पे गलती है हैज में द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज या द वैल्यू या फिर बच्चों ऑफ इंडियन करेंसी या फिर फॉल डाउन आप इसको क्या कहेंगे सी एग्जैक्टली exactly, बच्चों ये डी बनेगा आपका है ना ये जो लिखा है ना फोल एंड डाउन हैज फोलन आएगा सिर्फ ये डाउन की जरूरत नहीं फोल एन डाउन ऐसे होता है जैसे कोई ह्यूमन बींग नीचे गिर गया हो जैसे बच्चों कोई ह्यूमन बींग नीचे गिर गया हो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे इसमें भी आपको फाइंड आउट करनी है द गवर्नमेंट फील्स दैट राइस प्रोडक्शन नीड्स टू बी इंक्रीज तो बच्चों जब हम कहते हैं द गवर्नमेंट फील्स दैट राइस प्रोडक्शन तो राइस प्रोडक्शन में गलती है द गवर्नमेंट में फील्स दैट या नीड टू बी इंक्रीज्ड हाँ जी फॉलन बनेगा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम सेवन को देखते हैं तो इसमें क्या गलती होगी राधा मीनू स्वाति श्वेता ओके बच्चों सुमन ठीक है लास्ट में नीड टू बी इंक्रीज आप कह रहे हैं बहुत अच्छे बच्चों करेक्ट आंसर देखो सीधी सी बात है भाई जब हम गवर्नमेंट को गवर्नमेंट फील्स दैट तो राइस प्रोडक्शन जब आप बढ़ाते हैं तो नीड नहीं क्योंकि राइस प्रोडक्शन बच्चों कैसा बन गया सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आएगा यहां पे यहां नीड्स टू बी इंक्रीज ये बन जाएगा अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन तो बताओ करेक्टली पंक्चुएटेड क्या है ही विल सक्सीड You never. आपको पता है ये क्वेश्चन आपका बच्चों ऑलरेडी आ चुका है दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्ट तो आप इसमें कौन सा लगाएंगे ही विल सक्सीड He will succeed you never. He will succeed you never. या फिर he will succeed you never, you never. कौन सा बच्चों आएगा इसमें से बहुत अच्छे प्यारे बच्चों ये B बनेगा He will succeed के बाद आपने कोमा लगाया और फिर कहा आपने you never क्योंकि टर्न कर रहा है चीज को तुम कभी नहीं तो आंसर हमारा यहां पे बी बनेगा क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं डायरेक्शन आपको देखनी है बच्चों इसमें आपको देखना करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन येलो जर्नलिज्म होता क्या है ये इसमें पूछा गया है दिस पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चन इट जर्नलिज्म तो बताओ बच्चों येलो जर्नलिज्म क्या है पेड स्टोरी टेलिंग है पेड स्टोरी टेलिंग है या बच्चों गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पब्लिश्ड और येलो कलर्ड पेपर राइटिंग इन न्यूज पेपर दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन जर्नलिज्मीज कंप्लीटली विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट बहुत अच्छे प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं येलो जर्नलिज्म का मीन्स है जो सेंसेशनल न्यूज लिखता हो सनसनी खेज उसको बनाता हो सेंसेशनल न्यूज है ना मतलब कहने का है कि एक पर्सन की ट्रक के नीचे आने से मृत्यु हो गई एक पर्सन की ट्रक के नीचे आने से मृत्यु हो गई ये बच्चों येलो जर्नलिज्म इसको क्या लिखते हैं कि दिन दहाड़े एक, एक, एक पर्सन की दिन दहाड़े एक पर्सन को बहुत भयंकर रूप से एक ट्रक ने दिन दहाड़े कुचला है ना और उसको कुचल के भाग गया जिससे उसकी दिन दहाड़े दर्दनाक मौत हुई अब जब ऐसा सुनते हैं तो बड़ा लगता है यही काम बच्चों जर्नलिज्म का है यानी राइटिंग इन न्यूज पेपर टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी कई बार वहां पर फॉल्स होती है और बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा फिल इन दी ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रशन अवर फ्रेंड सतीश एंड उदय लिव्ड इन चेन्नई तो एट टू थाउजेंड सिक्सटीन अबाउट अंटिल क्या बनाएंगे बच्चों आप लिव इन चेन्नई अंटिल टू जीरो अबाउट वेन एट तो क्या आंसर आपका होना चाहिए बहुत अच्छे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर जा रहा है सभी लोगों का अंटिल यहां पे आएगा वी वुड बी यूजिंग अंटिल क्योंकि समय को बता रहे हैं ना तो समय के उस पॉइंट तक हम बता रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे करेक्ट प्यारे बच्चों तो देखो आज हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं सब बच्चे मुझे बताएंगे कि हाउ डिड यू फाइंड द टुडे अच्छा कोशिश करेंगे कि कल हमारे पास मैक्सिमम न्यू क्वेश्चंस बनेंगे हम नए नए क्वेश्चंस यहां पे लेके आएंगे कल के लिए और कुछ और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड हम करेंगे आपको जिस जो आपको पता भी नहीं होंगे ऐसे वाले तो हाउ डू डिफाइंड द सेशन सेशन बच्चों को कैसा लगा शिवानी मीनू माधवी अर्चना मनीष जी ए बी एस बिल्कुल अमन राधा सभी बच्चे बताएं चलो ठीक है अच्छा अमन वो ब्लैक वाले की वजह से गया हो गया होगा उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस अगर कम करेंगे ना तो आई थिंक चल जाएगा ठीक है बच्चों ठीक है बहुत अच्छे आप ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहेंगे तो वर्क हमारा लगातार बना रहेगा यानी वर्क हम आपके साथ में करते रहेंगे और अच्छा है अगर कुछ इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन का रेपिटेशन भी होता है तो कोई बात नहीं और बाकी हम क्वेश्चंस इसमें कर ही रहे हैं बच्चों तो चलिए फिर मिलते हैं ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम थोड़ा सा व्हाइट वाले में रखें है ना आज थोड़ा सा कलर ब्राइट हो गया इसमें। अच्छा है इसमें करेक्ट बच्चों अच्छा ठीक है प्रीशा ने थर्टी फाइव किए हैं आउट ऑफ फोर्टी बहुत अच्छे ठीक है ठीक है मीनू आई विल डू दैट बेटा क्लास जो होती है हमारी बेस ये क्लास होती है आपकी तो सेवन के अराउंड होती है कई बार साढ़े छः हो जाती है सात बजे सेवन थर्टी पे भी हो जाती है एट पे भी हो जाती है बट ज़्यादातर समय इसी के बीच में रहता है सिंटेक्स किस में है सिंटेक्स बेटा अगर हम देखें तो सिंटेक्स आपका ग्रामर में है ग्रामर में आता है जी अजब अजब मैंने समझ लिया बेटा आपने नाम बता दिया था चलो ठीक है बच्चों मिलते हैं फिर कल आज इतना वर्क करते हैं थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी हैव अ ग्रेट टाइम बाय बाय एवरीवन बस अपनी प्रैक्टिस को लगातार सब बच्चे बना के रखें कॉन्टिन्यूटी रखें मैं भी कॉन्टिन्यूटी रख रहा हूं बच्चों कोशिश करेंगे कॉन्टिन्यूटी दोनों ही लोगों की बनी रहे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोड बिल्कुल इसको कहते हैं हम इसको बच्चों सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कोड भी कहते हैं अच्छा कल कौन सा टॉपिक होगा टॉपिक बेटा रेंडम आ जाता है कल एक काम करते कल टेंस करते हैं कल हम बच्चों क्या करेंगे आपके लिए टेंस करेंगे ठीक रहेगा सो वी वुड बी डूइंग टेंस इज हेयर तो टेंस को तैयार करके लाओ सब प्यारे बच्चे ओके बाय बाय गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स टू ऑल